नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम फिर हाजिर हैं आज के एक नए अंक के साथ आज का कृषि दर्शन का कार्यक्रम सेहत भरा है जी हाँ हम हमेशा बात करते हैं कृषि दर्शन में किसानी की खेती की और अन्य बातों की बात करते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे किसान भाइयों की सेहत की जिस तरह का माहौल हम इस समय देख रहे हैं कि कोरोना महामारी ने लोगों को हलाकान करके रखा हमने धीरे धीरे उस पर लगाम कसी वैक्सीनेशन का काम हुआ लेकिन फिर भी जो नए नए दौर चले वेरिएंट चले उसके कारण कोरोना अभी भी हमारे बीच है ऐसा हम पूरी तरह महसूस कर रहे हैं और बचाव भी बहुत ज़रूरी है ऊपर से बदलते मौसम की मार तो किस तरह हमारे किसान भाई अपनी सेहत का ध्यान रखें किस तरह खेती किसानी के काम भी कर पाएँ और अपनी सेहत भी दुरुस्त रख सकें इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकेश साहू जो चिकित्सक हैं भोपाल में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब बदलता मौसम है और बदलता कोरोना का वेरिएंट है ऐसे समय में हमारे जो किसान भाई खुले में खेतों में काम करते हैं वो किस तरह अपना काम करें जी सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार और जैसा कि आपने अभी बताया कि आजकल जिस प्रकार से संक्रमण का दर बढ़ रहा है और जो मौसम में बदलाव है और जिस तरीके का बदलाव है कि अचानक तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है उसके बाद फिर तापमान का इसी दिन अगले ही दिन पता पड़ता है कि तापमान वापस बढ़ गया गर्मी हो गई ठंड हो गई फिर बारिश हो गई जी, बिल्कुल। तो इस समय हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है और इस समय जितने भी संक्रमण हैं ये बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलते हैं और अभी का जो दौर चल रहा है ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है इसने बहुत तबाही मचा के रखी हुई है हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं है लेकिन इसको हल्के में लेने की जरूरत भी नहीं है सतर्क तो रहना जरूरी सतर्क है सतर्क रहना बहुत जरूरी है इसमें जो बदलाव आ रहे हैं पहले तो मैं आपको थोड़ा सा उन बदलावों के बारे में बता देता हूं कि अभी क्या क्या बदलाव आ रहे हैं सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब भी वो घर से निकलें सबसे पहले तो वो हाइड्रेटेड रहें पानी पी के निकलें घर से खाना वाना खा के निकलें अपने कृषि यंत्रों को सेनेटाइज करते रहें हाथ धोते रहें अभी जो जिस टाइप से हमको शरीर में एक स्वास्थ्य संबंधी विसंगति देखने को मिल रही है वो है सर्दी जुकाम बुखार हुँ. और एक बहुत ही असामान्य टाइप का जो पिछले कोविड में नहीं था लक्षण पेट में दर्द उल्टियाँ ये भी देखा गया है कई केसेस में अभी जिसमें कि कोई सर्दी खांसी बुखार के लक्षण नहीं है लेकिन हल्का पेट दर्द है और उल्टी हो रही है और उल्टी जैसी जी मचलाना ये सारी चीज़ें हैं इसमें भी कोविड के ये एक इस वेरिएंट का एक लक्षण इसको माना जा रहा है सर आपने बात करी जैसे कि बदलता हुआ वेरिएंट है ओमिक्रॉन का खतरा लोगों को मंडरा रहा है कैसे समझें कि ये वायरल बुखार है कि ओमिक्रॉन है क्योंकि बदल रहा है मौसम देख रहे हैं हम एकदम से ठंड हो रही है एकदम से तापमान बदल रहा है जी बहुत अच्छा आ, सवाल किया है आपने क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है आ, अभी दोनों में जो लक्षण हैं वो लगभग लगभग समान हैं जैसे सर्दी खांसी बुखार का आना ये सामान्य भी हो सकता है और ओमिक्रॉन का भी हो सकता है जब तक हम कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक हमें नहीं पता चलता कि ये हम पॉजिटिव हैं या नहीं है लेकिन लोग डरते हैं टेस्ट कराने से Uh, किसान भाइयों से फिर मेरा अनुरोध है कि डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जी। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर घर में किसी को भी सर्दी खांसी बुखार या इस टाइप से कुछ भी जरा सा भी आपको ऐसा लगता है जी। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है अलग करना है क्योंकि जब आप दो तीन दिन बाद जब आप कराने जाते हैं अपना टेस्ट कराने जाते हैं तब तक पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं इसका मतलब है कि आप कोविड को लेके घूम रहे हैं और एक स्प्रेडर की तरह उसको फैलाने का काम कर रहे हैं तो तीन दिन बाद अगर आपने कराया चार दिन बाद कराया जब आप पॉजिटिव आए और फिर आपने अलग किया लेकिन अपने आप को अलग कर लिया लेकिन तब तक आप ये समझ समझिए कि आपने कितने और आपके घर वालों को संक्रमित कर चुके हैं और बाहर वालों को संक्रमित कर चुके हैं तो जब भी ऐसा होता है कि आपको कोई भी ये लक्षण आते हैं जिसमें कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो ओमिक्रॉन है ये अभी गले तक ही सीमित है ये एक हमारे लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि जो कोविड में डेल्टा वेरिएंट था ये लंग्स को फेफड़ों को हमें इन्फेक्ट कर रहा था और ओमिक्रॉन जो है ये गले में गले तक ही जा रहा है और इसमें ऑक्सीजन का लेवल डाउन नहीं हो रहा है इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन और भर्ती करने की सम, जो दर है वो थोड़ा कम है तो इसमें घबराने की बात नहीं है सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही आप संक्रमित हों अपने आप को तुरंत आइसोलेट करें आप प्रॉपरली अपने जो भी वहाँ लोकल डॉक्टर हैं उनसे मिल और अपना इलाज शुरू करें और गर्म पानी पिएं, भाप लें और विटामिन सी लें और भरपूर मात्रा में प्रोटीन रिच डाइट लें बिल्कुल अच्छे से खाना खाएं और अपने आप को तुरंत अलग कर लें अगर आपको सामान्य लक्षण भी दिख रहे हैं तो आप तुरंत अलग हो जाएं। वैक्सीनेशन जिन्होंने करवा चुके हैं जिन्होंने दोनों डोज ले चुकी हैं। उनको क्या ओमिक्रोन का खतरा नहीं है और अगर है तो कितना है और जिन्होंने एक लिया है और नहीं कराना चाह रहे हैं आगे दूसरा नहीं लगवा रहे हैं तो उन्हें ओमिक्रोन का कितना खतरा है ये बहुत बड़ा एक मिथ है बहुत भ्रांतियां हैं काफी फोन भी मेरे पास आते हैं काफी लोग बातचीत भी करते हैं उनको शायद ऐसा लगता है कि हमने दोनों वैक्सीनेशन लगवा लिया है दोनों डोज लग लग गए हैं तो अब ओमिक्रॉन हमको नहीं होगा या हमको कोरोना नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये जो दोनों डोज लग चुके हैं इनको भी इंफेक्टेड कर रहा है जी। इनको भी संक्रमित कर रहा है जो लेकिन जो दोनों डोज लगा चुके हैं वैक्सीनेटेड हैं उनमें इसका प्रभाव कम हो जाता है हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती होम आइसोलेशन में ऐसे जो मरीज हैं वो ठीक हो जाते हैं डॉक्टर साहब कई हमारे किसान भाइयों के मन में ये भ्रांतियां हो रही हैं कि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हमारी कार्य क्षमता कम हो जाएगी हम काम नहीं कर पाएंगे ये कहाँ तक अ... नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है हुँ. अगर आपको पहले से भी कोई बीमारी है जैसे शुगर है ब्लड प्रेशर है और अस्थमा है या कोई और को है उसके लिए भी अगर आप वैक्सीनेशन आपने लिया हुआ है और अगर ये ओमिक्रॉन होता है इन्फेक्शन होता है तो आपको इसमें बचाव बहुत ज्यादा हद तक आप इसमें बचे रह सकते हैं जी। तो वैक्सीनेशन से डरने की कतई जरूरत नहीं है इसमें कभी भी ऐसा कोई कुछ कोई भी तथ्यात्मक रूप से और अभी तक जितने सर्वे आए हैं जितने जी, रिसर्च हुए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी बल्कि ये आपके लिए बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी बूस्टर डोज लग रहे हैं जी, जी। और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो साठ साल के ऊपर के उम्र के व्यक्ति हैं और जो एलिजिबल हैं बूस्टर डोज लगवाने के वो जरूर लगवाएं इससे आपको आने वाले संक्रमण से खतरा जो है वो बहुत काफ़ी हद तक इसमें कम हो जाएगा बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि वैक्सीनेशन से हमें डरना नहीं है हमें वैक्सीनेशन करवाना है ग्रामीण बच्चों को भी और पूरे देश के बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है तो फिर वही बात हम आपसे कहना चाहेंगे और आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों तक कि ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का काम बच्चों का भी करवाना है बच्चों के लिए लोग डर रहे हैं हमारे कई किसान भाई अभी भी डर रहे हैं कि नहीं हम बच्चों को नहीं लगवाएंगे नहीं मैं फिर से वही बात अपनी दोहराना चाहूँगा कि बच्चों को ये वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है अभी भारत सरकार ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को ये शुरू कर दिया है और बहुत जल्द शायद मार्च में ही 12 से नीचे और 12 साल की उम्र तक के बच्चों को भी लगना शुरू हो जाएगा जितनी ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ वैक्सीनेटेड होंगे और जितनी जल्दी वैक्सीनेटेड होंगे उतने जल्दी हमको हमारा जो ये कोविड से हम बहुत जल्दी निजात पालेंगे तो बिल्कुल लगवाएं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे भी बच्चों में आजकल जंक फूड और बाहर का खाने का चलन ज़्यादा है तो इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेटेड ज़रूर हों बिल्कुल सर uh, uh, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों के लिए भी करना है हमारे किसान भाई खुले में काम करते हैं खुले वातावरण में काम करते हैं और झुंड में काम करना हम हमारे लिए बहुत जरूरी भी होता है क्योंकि एक व्यक्ति खेती किसानी का काम नहीं कर सकता तो खेती किसानी के काम करते हुए हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें कि ओमिक्रोन का खतरा या कोविड का खतरा उनसे दूर रहे जी किसान भाइयों से मेरा फिर विनती है हाथ जोड़ के निवेदन है क्योंकि वही हमारे देश की धरोहर हैं बिल्कुल तो आ, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम अगर दिनचर्या की शुरुआत करें तो सबसे पहले वो अपने आप को भूखे बिल्कुल नहीं रखें खा पी के ही अपने आ, खेतों में काम करने के लिए जाएँ जो भी कृषि यंत्र का वो उपयोग कर रहे हैं उसको ध्यान रखें कि वो एक दूसरे के साथ शेयर ना करें वो अपने जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है वो अपना सेपरेट अपना अलग रखें और उसको समय समय पर अपना सेनेटाइज करते रहें और या साबुन से वो धोते रहें दूसरी चीज़ एक मैं कहना चाहूँगा जो एक आदत देखी गई है और मैंने काफ़ी देखा है कि धूम्रपान से ज़रूर बचें जी। कि हम काम कर रहे हैं थक गए तो एक बीड़ी पी ली सिगरेट पी लिया और कुछ तंबाकू का सेवन कर लिया ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि ये जो धूम्रपान है जो अल्कोहल का सेवन है जो तंबाकू का सेवन है ये हमारे इम्यूनिटी को बहुत हद तक कम कर देता है और इस समय अगर हम संक्रमित होते हैं तो हमें थोड़ी सी चिंता का विषय बन जाता है जी, जी। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ये तंबाकू और इन सब चीजों से दूर ये सारे व्यसनों से दूर रह करके अपने आप को प्रोटीन रिच डाइट लें जिसमें ऐसी चीजें खाएं जो नेचुरल वैसे भी गाँव में और हमारे ग्रामीण शहरों में काफ़ी नेचुरल चीज़ें मिलती हैं तो आप वहाँ पर जो दालें हैं और दूध है पनीर है ये सारी चीज़ों का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस समस्या से बच जाएंगे आप। बिल्कुल डॉक्टर साहब हम आपसे कोरोना से बचाव पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का बस अभी उपस्थित हुए मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो मेरी स्वातन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है।, है अच्छा ये बात है क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन में और आज हमारा जो विषय है वो सेहत भरा है आज हम बात कर रहे हैं कोरोना से बचाव और कृषि कार्यों के बारे में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर मुकेश साहू जो चिकित्सक हैं डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे प्रोटीन डाइट की बात कर रहे थे सेहत भरे खाने की बात कर रहे थे हम ये जानना चाहेंगे कि जो आयुर्वेदिक काढ़े हैं या नुस्खे हैं ये कहाँ तक उचित है क्योंकि हमारे गांव देहात में सबसे ज्यादा यही होता है कि पहले घर से शुरुआत हो जाती है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दीजिए जी ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं काढ़ा है और घर के बने हुए जितने भी नेचुरल चीजें हैं ये तो बिल्कुल आप ले सकते हैं लेकिन बस ये तो बहुत कारगर सिद्ध होते हैं हमारी दादी भी हमें खिलाती थी और आपकी दादी ने भी आपको खिलाया है तो ये तो बिल्कुल आप ले सकते हैं लेकिन इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास काफी केसेस ऐसे आते हैं जो इसका सेवन जरूरत से ज्यादा करते हैं तो कोरोना तो ठीक है वो उससे आपको निजात मिले ना मिले लेकिन पेट खराब हो जाता है इसमें तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें ज़रूरत से ज़्यादा काढ़ा लेना ज़रूरत से ज़्यादा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लेना या कोई ऐसी औषधि का लेना ये ज़रूरत से ज़्यादा ना करें जब जरूरत हो उतना ही करें और आप ने मेरे ख़्याल से आप नेचुरली आप अपने आप को आपका डाइटरी हैबिट्स जो खान पान की जो आदतें हैं ये आपका लाइफ स्टाइल आपका नियमित रूप से आपका व्यायाम और आपका अगर स्ट्रेस लेवल नहीं लेंगे नहीं। आप तनाव से मुक्त रहेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा आपको दवाओं की या फिर किसी ऐसे नुस्खों की आवश्यकता पड़ेगी हाँ ये नुस्खे जरूरी हैं आप ले सकते हैं लेकिन, लेकिन सीमित मात्रा बिल्कुल सीमित मात्रा अगर हम सीमित मात्रा में लेंगे तो वो फायदेमंद रहेंगे और ज्यादा लेंगे तो नुकसान होगा हमारे जो किसान भाई बीपी या शुगर के मरीज हैं जिनको बीपी है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और जो बुजुर्ग हमारे किसान भाई हैं उनका किस तरह से ध्यान रखा जा सकता Uh, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने इस समय जितने भी ये ब्लड uh, प्रेशर और शुगर uh, डायबिटीज़ uh, अस्थमा और क्योंकि अभी जिस टाइप से मौसम चल रहा है अभी मौसम का बदलाव है तापमान बहुत नीचे आ रहा है बहुत ठंड है एकदम से बारिश हो जाती है इस समय ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट जिसको कि हम हार्ट अटैक बोलते हैं ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा इस समय हो रही हैं तो ठंड से बचें सुबह कोशिश करें कि बहुत जल्दी ना उठें और धूप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा धूप का सेवन करें आप धूप लें क्योंकि अभी जितने भी ऐसे मरीजों को देखा जा रहा तो विटामिन डी की समस्या बहुत देखी जा रही है क्योंकि उनको जो नेचुरल सोर्स है धूप वो नहीं मिल रही है तो शुगर के मरीज ब्लड uh, प्रेशर के मरीज इनसे बस यही है कि ये अपने आप को ठंड से बचाएं और ऐसे व्यक्ति अगर जरूरत हो तभी बाहर निकले नहीं तो अपने आप को आइसोलेटेड ही रखें और खान पान फिर से अगर शुगर के मरीज़ हैं तो अपना शुगर कंट्रोल में रखें डॉक्टर से नियमित अपना चेकअप कराते रहें और अपना अपने, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें नियमित दवाइयाँ भी लें जी नियमित दवाइयाँ लेना कुछ दिन है ठीक हो जाते हैं हमारे किसान भाई तो सोचते अब हम नहीं लेंगे बिना चिकित्सीय परामर्श दवाई बंद कर देते नहीं अपना जो जितना भी ब्लड शुगर लेवल है उसको नियमित हर दो तीन महीने में आपका रेगुलर खून की जांच आपकी होनी चाहिए तो ये आपकी सारी जाँचें रेगुलर रूप से होनी चाहिए डाइट अपनी अच्छी रखें और फिर मैंने कहा तनाव आपको नहीं लेना है क्योंकि चिंता ही सबसे बड़ा आ, शुगर और इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है बढ़ाने का काम करता है तो तनाव मुक्त जीवन जिए स्वस्थ रहें खुश हुँ। रहें हुँ। बिल्कुल तो ओमिक्रॉन का खतरे से बचाव करने के लिए जरूरी है दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी ये मंत्र भी अपनाना है जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि सावधानी और सतर्कता के साथ थोड़ी सी सजगता भी बहुत ज़रूरी है अगर आप तुरंत बीमार लग रहे हैं तो तुरंत अपने आप को आइसोलेट कीजिए जांच कराएं और आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और डरने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो डॉक्टर साहब ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और इसका अनुपालन हमारे किसान भाई ज़रूर करेंगे तो आइए देखते हैं आप कार्यक्रम में खबरें खेती की नमस्कार दूरदर्शन के खास कार्यक्रम खबरें खेती में आप सभी का बहुत स्वागत है मैं हूं आपके साथ सोनू सेन आइए जानते हैं मुख्य समाचार किसान राहत राशि से नहीं रहेगा वंचित ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का अवलोकन शेडनेस हाउस और पॉली हाउस बनाने की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी कृषि मंत्री श्री कमल पटेल श्री राघव रत्न अलंकार से अलंकृत और खबरें विस्तार से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित बीमित फसल का 25 प्रतिशत बीमा कंपनी एडवांस में भुगतान करेगी शेष पचहत्तर प्रतिशत राशि सेटलमेंट होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा संबंधित कृषकों को भुगतान किया जाएगा राहत राशि राज्य सरकार देगी प्रधानमंत्री फसल बीमा और राहत राशि मिलाकर किसानों को उनकी फसल क्षति की भरपाई की जाएगी कोई भी गरीब किसान राहत राशि से वंचित नहीं रहेगा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजगढ़ जिले के छायन ग्राम में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त सरसों गेहूं चना और मसूर की फसलों का जायजा लिया इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाई परेशान ना हो संकट के समय में सरकार उनके साथ है और उन्हें इस संकट से निकाला जाएगा प्रभावित कृषकों की बेटियों का विवाह है तो वह भी राज्य सरकार कराएगी किसानों को तकलीफ से बाहर निकालना उनका धर्म है कर्तव्य है और इनकी ड्यूटी भी है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि एक गांव का सर्वे हो सर्वे सूची में ग्राम चस्पा कराए जाएं जिससे छटा हुआ कृषक आपत्ति दर्ज कराकर अपना सर्वे सूची में जुड़वा सके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सर्वे कार्य चोरी छुपे नहीं हो कोई भी प्रभावित कृषक छूटे नहीं सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि सर्वे का कार्य पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ हो मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ गेहूँ सरसों चना मसूर की फसल को ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहां प्रति हेक्टेयर तीस हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी पशुओं की मृत्यु होने पर गाय भैंस के मामले में तीस हजार रुपए की राशि प्रति पशु बेल भैंसा की मृत्यु होने पर पच्चीस हजार रुपए दिए जाएंगे वहीं बछड़ा की मृत्यु होने पर सोलह हजार रुपये दिए जाएंगे बकरा बकरी की मृत्यु होने पर तीन हजार रुपये चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री ने विगत दिनों विदिशा जिले में जाकर ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का अवलोकन किया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई सरकार करेगी फसलों में 50 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर तीस हज़ार रुपये की क्षतिपूर्ति के साथ फसल बीमा योजना का भी लाभ दिया जाएगा बीमा कंपनी से 25 प्रतिशत क्लेम राशि अग्रिम रूप से दिलाई जाएगी और शेष पचहत्तर प्रतिशत राशि क्लेम फाइनल होने पर दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित किसानों के कर्ज को अल्पकालीन से मध्यमकालीन और एक वर्ष के ब्याज की राशि राज्य शासन द्वारा भरे जाने की घोषणा भी की गई है मुख्यमंत्री ने शनिवार को बिदिशा जिले की लटेरी तहसील के ग्राम उनारसी कला में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का जायज़ा लिया इसके बाद किसानों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के धनिया गेहूं चना और सरसों के खेत में ओला से फसलों को जायज़ा लिया नुकसान का सर्वे भी उन्होंने किया है किसानों को ढांडस भी बंधाया मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार साथ है मैं भी किसानों के साथ खड़ा हूँ किसान किसी प्रकार से चिंतित ना हों उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि फसलों के सर्वे कार्य में पारदर्शिता के साथ व्यवस्थाएं अपनाई जाएं और सर्वे सूची ग्राम पंचायत भवन में चस्पा की जाए कोई भी किसान सर्वे से छूटना नहीं चाहिए जिन किसानों को आपत्ति हो उनकी फसल का पुनः सर्वे किया जाए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से जहां भी क्षति हुई है वहां पूरी संवेदनशीलता के साथ सर्वे कर सहायता राशि दी जाएगी मुख्यमंत्री ने ईंट भट्टा घरों और मवेशी आदि की क्षति के लिए भी सहायता राशि नियम अनुसार दिए जाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे घबराएं नहीं सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है किसानों के साथ हैं और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी योजनाओं का लाभ भी किसानों को दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरून सहित सीमावर्ती जिले के आरोन राघूगढ़ और चांचूड़ा में भी फसलों को नुकसान पहुंचा है इन क्षेत्रों में भी फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी अब बात करेंगे शेडनेस हाउस पॉली हाउस बनाने की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी उद्यनिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि शेडनेस हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की जाए किसान निर्धारित स्पेसिफिकेशन की सामग्री को वेंडर से खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा राज्य मंत्री श्री कुशवाहा विगत मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे राज्य मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित खेती शेडनेस हाउस और पॉली हाउस योजना में अंठानवे हजार वर्ग मीटर में 31 किसानों द्वारा शेडनेस हाउस और पॉली हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया है राज्य मंत्री ने कहा कि ग्वालियर में फूलों की हाईटेक नर्सरी फ्लोरिकल्चर गार्डन की स्थापना के लिए इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाली विशेषज्ञ फर्म का चयन किया जाएगा उससे डी बनवाए जाएँ उन्होंने कहा कि फ्लोरिकल्चर गार्डन अपने प्रकार का प्रदेश का पहला हाईटेक नर्सरी गार्डन होगा राज्य मंत्री ने कहा कि पी एम एफ एम ई योजना फार्मलाइजेशन आर के माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते सुधार हुआ है बैंकों द्वारा प्रकरणों में स्वीकृतियां भी जारी की गई हैं उन्होंने कहा कि कुल प्रस्तुत तेरह आवेदनों में से बैंक द्वारा एक में स्वीकृति दी गई और 522 प्रकरणों में स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलित है राज्य मंत्री कुशवाहा ने विभागीय अधिकारियों को बैंकों से समन्वय कर सभी में स्वीकृति दिलाने की बात भी कही है उन्होंने योजना में ज़िलेवार प्रगति की समीक्षा की राज्य मंत्री ने कहा कि जैविक उद्यनों की खेती करने वाले किसानों की ज़िलेवार सूची बनाई जाए किसानों के समूह बनाएँ उन्होंने कहा कि उद्यन की फसलों की खेती करने वाले किसानों को जैविक पद्धति से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए राज्य मंत्री कुशबा ने कहा कि औद्योगिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक ज़िले में कम से कम एक फसल प्रोडक्ट ऐसा तैयार करें जिसे देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में निर्यात किया जा सके बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई है पटेल को श्री राघव रत्न अलंकरण से अलंकृत किया गया मंगलवार को जबलपुर में यह सम्मान पूज्य जगतगुरु सुखानंद स्वामी राघव देवाचार्य महाराज ने प्रदान कर श्री मंत्री कमल पटेल को सम्मानित किया है कृषि मंत्री श्री पटेल को उत्कृष्ट समाज सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए सम्मान प्रदान किया गया कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनेता श्री पी मुरलीधर राव सहित नागरिक एवं समाज सेवी मौजूद थे फिलहाल खबरें खेती में इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार छबरी खेती के साथ ही आज हमारा ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं कोरोना से बचाव आप करेंगे आप सेहतमंद रहेंगे खुशहाल रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ अब हमें दीजिए अनुमति फिर मिलेंगे नमस्कार